नमस्कार, मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होगी आपके काम की, बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समस्त प्रदेशवासियों को और राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों को नववर्ष 2022 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आने वाला वर्ष सबके लिए मंगलमय हो और सबके परिवार में और अधिक सुख समृद्धि लाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नववर्ष नई ऊर्जा, नए उत्साह और नई उमंग को लेकर आता है। नववर्ष नव संकल्प लेने का अवसर होता है। 2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है ताकि प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति का आर्थिक उत्थान कर सके और उसे मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय को चरितार्थ करना है। हम साल भर पूरी तत्परता और पारदर्शिता के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने की मुहिम में और अधिक तीव्रता लाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सुशासन की संस्कृति को विकसित करने का प्रयास किया है और काफी हद तक इसमें सफल भी रहे हैं। वहीं हरियाणा के राज्यपाल ने सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में वो पहुंचे हैं जहां उन्होंने T20 हैप 2021 टूर्नामेंट के पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है और विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ साथ 1,00,000 रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों के लिए खेल नीति बनाकर दिव्यांग खिलाड़ियों को भी सामान्य खिलाड़ियों के बराबर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक अनोखा योजना की शुरुआत की है। इस योजना में सरकार ग्राम पंचायत की जमीन पर बागवानी लगाकर ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी काम कर रही है। सरकार की इस योजना के तहत वन विभाग 3 साल तक पंचायत की जमीन पर की गई बागवानी के लिए पूरा खर्च करता है और उसकी देखभाल करता है। इसके बाद जब बाग तैयार हो जाता है उसको पंचायत को सौंप दिया जाता है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा सरकार ने वीरान और बंजर पड़ी पंचायती जमीनों को हरा भरा करने के लिए एक योजना शुरू की है। इसके तहत वन विभाग की तरफ से पंचायती जमीन पर बागवानी और वन लगाने का फैसला किया है। इसी कड़ी में वन विभाग ने यमुना नगर मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर शहजादवाला गांव की पंचायती जमीन पर बागवानी शुरू की है। इस योजना के तहत वन विभाग में गांव की करीब 38 एकड़ पंचायती जमीन पर बागवानी की है। सरकार की योजना के तहत 3 साल तक बागवानी की देखरेख और खर्च का काम वन विभाग करेगा और इसके बाद इसे ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाएगा। बेसिकली इसका मकसद एक तो गांव की आमदनी, पंचायत की आमदनी बढ़ाना है और दूसरा एनवायरमेंटल सर्विसेज में ज्यादातर जो इसका कंट्रीब्यूशन हो उसके उसके लिए ये जो प्रोजेक्ट है ना यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है। कितने एकड़ में ये प्रोजेक्ट लगा है, वन विभाग इसको किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है? ये टोटल जो जमीन है जिसमें हमने ये प्रोजेक्ट यहाँ एस्टेब्लिश किया है 37 एकड़ है ये जी। और इसमें 4200 पौधे हमने लगाए हैं, 3000 आम के हैं, उसमें 4 वेराइटीज हैं और देसी भी है। जीन पूल मेंटेन करना बड़ा जरूरी होता है, जीन पूल मेंटेन करने के लिए करीबन हमने 1.5-2 एकड़ में देसी पौधे लगाए हैं। दूसरे जो 1200 पौधे हैं इसमें, उसमें जामुन है, अमरूद है, आड़ू है, नींबू है, इस तरह से दूसरी स्पीशीज लगाई है। गांव की पंचायत के जमीन पर हुई इस बागवानी से गांव की पंचायत भी खुश है। गांव के सरपंच प्रतिनिधि ने कहा, जुलाई 2020 में हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पौधा लगाकर इस बागवानी की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा, शहजादवाला गाँव आसपास के इलाके में ये बाग एक नजीर बन गया है और सरकार की इस शुरुआत के बाद वन मंत्री के गांव बहादुरपुर और अन्य गांव मलिकपुर में भी बाग लगाए जा चुके हैं। देखिए, जो ग्राम पंचायत शहजादवाला है और ये खंड प्रताप नगर के अंडर आती है और हमारे पास टोटल जो हमारी भूमि है वो लगभग हमारे पास 125-125 एकड़ है
और जो जब हमारी टर्म आई तो हम सिर्फ आधा एकड़ का हम ठेका देते थे, जो पट्टे पर देते थे, लेकिन जैसे ही हमारे हैंडओवर आया तो हमने वहाँ पर इसको डिफरेंट वे से लिया, और जिसमें आप जैसे साहब ने बताया कि 37.5 एकड़ में बाग लगाया गया है, और उससे अलग 48 एकड़ को हमने पट्टे पे किसानों को दिया हुआ है, और 48 एकड़ जगह भी वो सेम ऐसी थी जैसा पहले बाग था, यहाँ पर झाड़ झूठ थे उसमें, तो हमने पट्टे पर जब किसानों को दिया, वो भी उनको ऐसा नहीं है कि उनको हाई लेवल पे दिया, बिल्कुल चीप रेट पे हमने दिया, जैसा कि उनको हमने 2 साल के लिए 8,000 रुपये प्रति एकड़, कंडीशन ये थी कि वो अपनी भूमि को अपने आप कल्टीवेट करेंगे, उसमें झुंड वगैरह वो खुद निकालेंगे, तो उनके लिए वो इजी था, और जो प्रोडक्शन है मान के चलो जो हमारी नॉर्मल भूमि है उसमें जो प्रोडक्शन है उससे ज्यादा प्रोडक्शन इसमें आई। मंत्री जी का एक दूसरा घर माना जाता है, इसलिए जो अपनों के लिए होती है वो स्पेशल कुछ स्कीम भी होती है, तो वो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया मंत्री जी ने, और विजन इसके पीछे इन्वायरमेंट का जो इक्वलिटी है उसको लेने के लिए भी है, और जैसा कि ये फॉरेस्ट को जो जगह दी गई है टोटल इन्वेस्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है और बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है, और हमें जो गांव में है गांव में भी इसका एक अलग ही उत्साह है, जैसे कि गांव में अगर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम है जैसे कोई अवेयरनेस प्रोग्राम है तो हम मोस्टली यहाँ करते हैं, और लोग बड़े चाव से आते हैं, और इसका बेनिफिट ये रहेगा कि इसमें एक तो पंचायत इनकम बढ़ेगी, और नेक्स्ट टाइम में जो जैसे मंत्री जी के पास टूरिज्म डिपार्टमेंट भी है तो उनको राय दी जाती है DFO साहब के माध्यम से, या हम पर्सनली भी बोल देते हैं कि अगर उनकी तरफ से भी यहाँ कोई हट वगैरह या कुछ अलग से कुछ किया जाए ताकि टूरिस्ट आए और इसका बाग का आनंद ले यहाँ, क्योंकि ये शिवालिक की पहाड़ियों के बिल्कुल नीचे है, तो वो भी बेनिफिट रहेगा जैसा जैसा, और यहाँ ग्राम पंचायत की तरफ से फुल सपोर्टेड है, सभी गांव वालों और आसपास के जो लोग हैं वो अच्छा सपोर्ट करते हैं इसके लिए। वहीं वन विभाग की बागवानी योजनाओं पर प्रदेश के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इसके शुरुआती ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए की गयी है। उन्होंने कहा कि इससे पहले पंचायती जमीन पर बड़े पेड़ लगाने की भी योजना है, लेकिन उसमें पेड़ों को 7 से 8 साल के बाद काट लिया जाता था, जिससे ज्यादा फायदा नहीं हो पाता था। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बागवानी किए जाने से लंबे समय तक इसकी हरियाली का फायदा तो होगा ही, साथ ही ग्राम पंचायत की आमदनी बढ़ेगी। पहले जब हम पेड़ लगाते थे तो वो ज्यादातर हम या तो सफेदे का पेड़ लगाते थे या पॉपुलर का, और सफेदा या पॉपुलर 7 साल में मैच्योर हो जाता है, काट लेते हैं 7 या 8 साल में, तो मुझे ऐसा लगता था कि भी जिस ग्रीनरी के लिए हमने पेड़ को लगाया तो वो फिर 7-8 साल के बाद फिर दोबारा वैसी परिस्थिति आएगी, तो अगर हम बाग लगाएंगे तो वो लगभग 50-60 साल तक ग्रीनरी वैसी ही बनी रहेगी और पंचायत की आमदनी बढ़ेगी उससे कि अगर बाग होगा। तो ऐसी एक योजना हमने बनाई, मैंने मुख्यमंत्री से बात की, उन्होंने उसकी हमें परमिशन दे दी, और सजादवाड़ा गाँव है जहाँ सबसे पहले हमने बाग लगाया, जो देख के भी आए होंगे आप, तो काफी अच्छा बाग चल रहा है। उसके बाद मेरे अपने गांव में बहादुरपुर है तो वहां भी हमने बाग लगाया, उसके बाद मलकपुर बांगर है वहां हमने बाग लगाया, उसके बाद अपना ये मुस्सेपुर गांव है एक करनाल में उसमें लगाया, उसके बाद ग्वालड़ा है पानीपत में, उन्हें 500 एकड़ जमीन हमें दी वहां हमने लगाया, और उसमें हमें जो ये अपना रिफाइनरी है उसने भी हमें काफी मदद उसमें की, काफी पैसा दिया। अब हमने लद्दा खादर गांव है वहां भी 29 एकड़ जमीन हमें दी, और भी पंचायतें में जमीन दे रही, तो जो भी पंचायतें जमीन देगी वो बाग लगाएंगे और उससे पंचायत की आमदनी बढ़ेगी और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस योजना के लिए ग्राम पंचायत एक प्रस्ताव विभाग को देती है, जिसके बाद तो विभाग एक प्रक्रिया के तहत इस पर आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गांव की कुल पंचायती जमीन के 10% पर पेड़ लगाने की भी योजना शुरू की है ताकि पर्यावरण साफ सुथरा रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार घोषणा की थी कि हर पंचायत 10% जमीन जो है वो पेड़ लगाने के लिए देगी, तो वो तो पेड़ लगाने के लिए है, उसमें हम कैसे भी पेड़ लगाए देंगे लगाएंगे उसमें, और अगर पंचायत चाहेगी कि बाग लगाना हम बाग भी लगा देंगे उसमें, बाग लगा देंगे तो उसमें उसको लाभ होगा और पर्यावरण में भी उससे फायदा। हरियाणा के वन विभाग की पंचायती जमीन को हरा भरा करने के साथ साथ गाँव में छोटे मोटे विकास कार्यों के लिए पंचायतों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की योजना सराहनीय है। हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर के मुताबिक प्रदेश में यमुनानगर पानीपत करनाल समेत कई जिलों के गांव में वन विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है।
जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं चंडीगढ़ में बिजली मंत्री रणजीत सिंह से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान बिजली मंत्री ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, देखिए। नए साल 2022 का आगाज होने जा रहा है और इससे पहले 2021 में बिजली और जेल विभाग के सामने क्या चुनौतियां रही, 2022 यानी नए साल में किस तरीके से इन दोनों महकमों में काम होगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं। सर, 2021 में तमाम जो है वो बिजली की व्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाए गए, केंद्र सरकार ने भी हरियाणा की जो बिजली व्यवस्था है उसमें जो प्रबंधन किए गए हैं उनकी सराहना की। अब आगे 2022 में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और अब हरियाणा में क्या है सर, स्थिति क्या है, कितने गाँव में आप 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, बिजली उपभोक्ताओं के लिए क्या क्या आपने कदम उठाए हैं? देखिए, बिजली के मामले में एक हमारा नहीं, हर स्टेट में भी लोगों की एक आदत है कि चोरी करने के, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों में जब उसका जाएगा तो उतने चोरी के केसेस ज़्यादा होंगे। 100% लोग बिजली को यूज़ करते हैं तो उसमें स्वाभाविक है कि 10%, 5%, 12% लोग चोरी करेंगे। बहुत ज़्यादा चोरी हो रही थी, हमने बहुत तरीके से करा। पहले जब CM साहब ने टेक ओवर करा, मेरे से पहले वो थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जगह SC एक्शन का बड़ा रोल रहा, SDO का, सब मीटर बाहर करवाए, बाहर निकलने से चोरी कम हुई। एक तो इससे हमारा सबसे बड़ा फायदा हुआ, हमारा स्टार्टिंग पे 31.7 लोस था, वो आज घट के 14 कुछ हो रहा है, तो इससे भी हुआ। इसके बाद हमने जो साइमल्टेनियसली रेड करे 3-4 बार, उसका बहुत असर आया। हमारा इशारा करने का ये था कि लोग समझ जाएं कि उन्हें चोरी नहीं करने देंगे, वो एक मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग चला गया। अब लोग चोरी करने से हट रहे हैं, तो मैं समझता हूँ हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब इस साल में अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं हो तो 2000 करोड़ के आसपास 100+ हो सकते हैं, 100- हो सकते हैं, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया चल रहा है। जब एकदम टफ सीजन था मई जून का, जब पंजाब में इंडस्ट्री बंद हो गई थी, पंजाब में ऑफिस के टाइम में कट कर दिया गया था कि बिजली ना होने की वजह से, हमारे यहाँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक दिन भी ऐसा नहीं, कभी सड़कों पे प्रदर्शन, कभी इस तरीके का मामला नहीं हुआ, कहीं लोगों ने रोड नहीं ब्लॉक करी, चाहे वो शहर का मामला था चाहे देहात का था, हमने पूरी बिजली दी। और हम चाह रहे हैं कि असली तो कमाई इंडस्ट्री से है, हम इसे हमारी इंडस्ट्री को लाइकवाइज गुजरात की तरह उस पर लाना चाह रहे हैं। फरीदाबाद के आसपास गुड़गांव, आपका पलवल और मानेसर, पानीपत, सोनीपत, ये एरिया हमारा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया, बहुत अच्छा, हमारा 50% रेवेन्यू वहीं से आता है। तो बिजली डिपार्टमेंट पहले से और ज्यादा कारगर होकर काम करेगा, हमें पावर कोई इश्यू ही नहीं है, हम जीती चाहे वो हम पे है। सर, अभी हरियाणा में आपकी जो 24 घंटे बिजली देने की योजना है वो कहाँ तक पहुंची है, कितना प्रतिशत या कितने गांव जो है वो आपने हरियाणा के इसमें कवर कर लिए हैं? टोटल 6800 गाँव है, 6800, जिनमें हम 5500 से ज्यादा, मेरे ख्याल में 5500, आज कोई 15-20 गांव ऊपर हो गए, हम इतने गांव में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, बहुत गांव में 16 घंटे दे रहे हैं, कुछ गांव में 12 घंटे दे रहे हैं, और लोगों को जैसे समझा रहे हैं, लोगों में एक आदत बन गई, नई जनरेशन समझने लगी कि हमें और जगह खर्चे कर देने चाहिए, इसे हमें कम करना चाहिए, बिजली कम करें पर हमें खर्च बिजली बिल देना चाहिए, लोग गुड पे मास्टर बन रहे हैं, और हम भी चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा अपना अंदाज है कि अगले 7-8 महीने में, अगले एक साल में हम 22 में तकरीबन सब जगह हरियाणा में 24 घंटे बिजली देने में समर्थ होंगे। सर, आपने कहा कि बिजली के बिल भरने को लेकर लोग जागरूक हैं, आपने बिजली पंचायतें भी शुरू की थी, अब अगले साल यानी 2022 में भी क्या ये बिजली पंचायतें आपकी जारी रहेगी? क्योंकि अभी भी सर डिफॉल्टर अमाउंट जो है प्रदेश का वो काफी ज्यादा है, डिफॉल्टर जो है बिजली उपभोक्ता अभी भी बहुत सारे हैं, तो ऐसे में वो लोग जो है वो अपना बिल भर के आगे बढ़े और नया कनेक्शन लेकर जो है वो विभाग के साथ अपना आगे बढ़े, किस तरह से उसको उनको जागरूक? एग्जैक्ट नंबर तो अभी मेरे पे नहीं है, पर मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो एरियाज रिकवरी थी काफी बड़ी है, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस की थी वो तो बहुत ज्यादा मिली हमें, और लोगों में भी थी बहुत, एरिया हमारा काफी रिकवरी हो रही है, और लोग अब बहुत कम, मतलब ये रह गए कि वो कोई चोरी की आदत है वो लोगों में हो, लोग ठीक होते जा रहे हैं, हमारा पैसा आता जा रहा है। जी सर, अभी जो एक रिपोर्ट आई थी कैग की पिछले दिनों, उसमें ये भी जिक्र है कि कुछ वित्तीय जो कुप्रबंधन रहा है बिजली वितरण कंपनियों का, तो इस तरीके का वित्तीय कुप्रबंधन ना रहे, और जो उसमें दिखाया गया है कि जो महाजगमग योजना है उसके तहत जिन फीडरों में काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इस वजह से इतना घाटा है, तो ये इस तरीके की चीजों को भी देखेंगे? देखिए, कोई भी चीज 100% तो परफेक्ट नहीं होती, चाहे कोई भी हो, उसमें भी थोड़ा सा कुछ समय लगता है कि 1-2-4% का हर जगह माइनस प्लस रहता है,
पर मैं एक आपसे बात बताऊं, इसके जो सपोर्टिंग हमारा एक डॉक्यूमेंट्स है, आर्गुमेंट है कि टोटल देश में 47 कंपनीज है जो डिस्कॉम की है जी। हम 15वें 16वें पायदान पे थे, आज हम 5वें और 6ठे पायदान पे आ गए। तो आप ये समझिए कि हमारी डिस्कॉम बहुत बढ़िया तरीके से, हमारा लाइन लॉस बहुत कम हुआ है, इसकी तो सबने तारीफ करी। अभी निर्मला सीतारमण जी ने करी, उससे पहले हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं आर के सिंह जी जो पावर मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी जब हम सारे मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस थे तब भी ये कही कि हरियाणा बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। तो हमारी पावर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजें हो गई, उन्हें कोई सामने आते हैं तो सुधार सुधार तो रहता है ना, सुधार तो एक जीवन का हिस्सा है जो बराबर करना चाहिए। बिजली के जो किसान है सर, यानी जो ट्यूबवेल के कनेक्शन जारी करने की आपकी योजना है, जून 2022 का आपने लक्ष्य रखा है, उस पर आगे बढ़ रहे हैं, काम जारी है? बिल्कुल, बहुत तेजी से जारी है। अभी मैंने हमारे नए ACS आ गए, बीच में उन्हें थोड़ा सा वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे, नहीं तो हमने तय कर लिया था 8 तारीख का। अब हम जनवरी के दूसरे हफ्ते में गुड़गांव में मीटिंग रखे हैं जिसमें सारे ACS MDs को बुला के और उसके बाद फिर डायरेक्टर्स को, फिर उसके बाद चीफ इंजीनियर और SCs की मीटिंग लेके हम इससे बहुत तेजी से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और गुड़गांव और जो हमारा पंचकुला जो थे, हम चाह रहे थे कि इनको दोनों को फ्री फॉल्ट कर दें, इन दोनों टाउन पे बहुत तेजी से हमारी टीमें लग रही है, मशीनें लग रही है, करके काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि 2022 हमारे लिए बहुत अच्छा साल आएगा जिसमें कहीं भी पावर की पहले भी नहीं थी, फिर बिल्कुल ही दिक्कत नहीं रही। ट्यूबवेल के किसानों के लिए भी जो आपने कनेक्शन पेंडिंग है वो जून 2022 का वो कर देंगे सर? जून 2022 तक हम तकरीबन आप ये समझिए कि 16 और 15 31 हज़ार दे देंगे, कोई 20 हज़ार कनेक्शन हमारे रहेंगे जिसका हम चाह रहे हैं कि फिर उसके बाद हम काउंटर पे पैसा लें और फार्मर्स को SC SDO और JEEs को ये कह दें कि मौके पे जाके एक मोटर नहीं 8 मोटर हमने लिस्ट पे कर दी जो गवर्नमेंट के रेट कॉन्ट्रैक्ट पे, उसे कोई फार्मर अपना ले और लेके लगाए। हम इसे जल्दी कोशिश करेंगे कि एक साल में सब ट्यूबवेल कनेक्शन हम लोगों को दे दें जी। और इसमें जो सोलर वाले में उसमें पूरे देश में सबसे बढ़िया कर रहे हैं, हमें 12,000-15,000 पहले मिले थे वो हमने लगा दिए, 22,000 हमें और मिल रहे हैं जिन्हें मैं ये समझता हूँ अगले 4-6 महीने में लगा देंगे। इसके लिए कल हमने पोर्टल खोला तो आधे घंटे में 28,000 नई एप्लीकेशन और आ गए, मतलब लोगों में इतना क्रेज है। जो छोटे जमींदार हैं 5 एकड़ वाले 4 एकड़ वाले वो इससे बहुत, उनका तो ये स्वीट ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया, हर आदमी से लेना चाह रहे हैं जी। सर, बिजली के साथ साथ जेल विभाग भी आप देख रहे हैं, जेल विभाग में किस तरीके के सुधार 2022 में देखने को मिलेंगे? चूंकि आप लगातार 2021 में कुछ गतिविधियां आपने शुरू की, लेकिन अब वो उनको अमलीजामा 2022 में कब तक पहनाएंगे, किस तरीके के बदलाव होंगे सर? हमने एक कमेटी बनाई थी जिसमें बहुत सीनियर ऑफिसर्स थे और उनमें तय करा था कि आप इसमें करें कुछ सुधार करें, तो उसमें 44 पॉइंट्स हैं, अलग 44 हैं जो हमने फाइनल उस पर कर लिया गया। अब खाली एक दिन CM साहब के नोटिस में ला के मैं चाह रहा हूँ कि मैं और हमारे होम सेक्रेटरी DGP जो सीनियर ऑफिसर है लेके एक बार उनसे डिस्कस करना है। इसके बाद मैं समझता हूँ इसे जनवरी के सेकंड वीक में हम इसे प्रेस बुला के मीडिया बुला के रिलीज करेंगे, जिसमें बहुत कुछ, जेल का नाम बदलना, अच्छी डाइट देना, लेडीज़ को टॉक्स का टाइम ज़्यादा देना और जेल में उसे बांट के उसमें एक हार्ड क्रिमिनल्स को अलग और दूसरों को एक अलग, उसी जेल को बाइफर्केट करके कुछ, अब भी नई जेलें आ रही हैं उन्हें हम अच्छा मॉडर्न जेलें हैं जो फुली उसमें सिक्योर्ड होगी, हाईली मतलब जिन्हें हम कह दें कि जैमर लगे होंगे, तो हम ऐसी जेल, तो एक तो मॉडल जेल हम रोहतक में बनाने जा रहे हैं जिसके लिए तकरीबन हो गया हाईकोर्ट परचेज कमेटी में जाना है, इस पर जल्दी फैसला लेंगे। कुछ और नई जेलें भी बनाने का है, जैसे फतेहाबाद है, दादरी है, पंचकूला है, नई जेलें बनाने जा रहे हैं। सर, अभी जो है वो आपने पिछले दिनों प्रदेश के तमाम जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं उनकी उनकी योग्यता कहें या मेरिट के आधार पर आपने एक साथ ट्रांसफर किए थे, और इसके बाद अब 2-3 ऐसे मामले सामने आए सर। एक आज ही एक शमशेर सिंह दहिया जो जेल सुपरिटेंडेंट है, जो अभी पंचकुला हेडक्वार्टर पर तैनात थे, पिछले दिनों वो हिसार में थे, उनको सस्पेंड किया गया है। एक पिछले दिनों जो है रेवाड़ी के जेल सुपरिटेंडेंट के घर पर भी विजिलेंस की रेड हुई थी, तो ये इस तरीके के जो मामले आ रहे हैं सर, इनको लेकर भी कोई आगे कोई जानकारी? देखिए, हमारे यहाँ सब कुछ जो है मेरिट पे, उसकी परफॉर्मेंस पे है, जो ठीक अधिकारी है उसे प्रमोट भी कर रहे हैं, उसे अच्छी पोजीशन पे दे रहे हैं, जिसके खिलाफ कुछ चार्जेज है उसके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है, ये भी एक पार्ट ऑफ एक्शन था, उसके खिलाफ कुछ जज के कमेंट से वो फाइल आई, DGP साहब पे आई, मेरे पे आई, अल्टीमेटली फैसला वो CM साहब के लेवल पे हुआ, कल ही उसके एक्शन हुआ तो उसे सस्पेंड कर दिया गया जी। सर, मेरा अंतिम सवाल है, नए साल के मौके पर प्रदेशवासियों को आपकी क्या शुभकामनाएं हैं, साथ ही ओमिक्रोन का खतरा भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या आप अपील करेंगे, क्या आपकी शुभकामनाएं हैं? देखिए, हम फुली प्रिपेयर्ड हैं,
हमारी पिछली कैबिनेट मीटिंग में भी इसका चर्चा चला और सीएम साहब और कल मैं उनको भी सुन रहा था, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब को, विज साहब को भी, सरकार पे पूरे ऑक्सीजन प्लांट हम पे लग गए, हमें कहीं भी एक मिनट भी डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं। पिछले कोविड से हम बहुत कुछ सीख गए और हमें इस मामले का कोई झिझक नहीं है। पर क्योंकि जब दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में देखते हैं जो इसकी स्प्रेडिंग पावर वो देख रहे हैं, जितना तेजी से मल्टीप्लीकेशन इसका हो रहा है, इस करके हम भी चाह रहे हैं कि लोग भी अपने तरीके से सावधान रहें। अल्टीमेटली जब लोग सोशली डिस्टेंस, क्योंकि बार बार लॉकडाउन करके लोगों को इकोनॉमी को आप कतई क्रैश कर दो वो भी ठीक नहीं। जरूरत से अगर हालात बने तो कुछ, जैसे अब केजरीवाल कर रहे हैं दिल्ली में, ऐसे ही अगर कोई स्थिति हुई तो हमें भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है। पर हम चाह रहे हैं कि जितना कम से कम ये चीज़ें लॉकडाउन ये कम से कम यूज़ हो, बहुत ज़रूरत हो तो फिर करना पड़ता है, फिर मजबूरी है। पर अब के जो एक इम्प्रेशन आ रहा है, जैसे मैं डॉक्टर्स को सुन रहा था, कल एक लंदन के डॉक्टर का इंटरव्यू था, हमारे डॉक्टर तरान को सुन रहा था, उसमें ये है कि ये इतना डेडली नहीं है, इसकी स्प्रेडिंग पावर तो ज़्यादा है पर इसमें इतना ज़्यादा नहीं, पर फिर भी कोई सिचुएशन हो उसके लिए हमें तैयार तो रहना चाहिए। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि अपने आप को ध्यान से रखें, बहुत सावधानी से रखें। पहले हमने दो जो आए उसमें बहुत जाने भी गई, उससे बहुत कुछ हमने सीखा भी है और लोगों ने इसे एक लाइफ का पार्ट बना लिया कि हमने जीना है इसके साथ। पता नहीं कितना लंबा चले ये भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर मेरा कहना है कि हमें रहना चाहिए। नया साल हमारा, एक साल तो कोविड में और बहुत, 2021 का ऐसा साल कभी नहीं है, पर 2022 का मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा साल रहेगा, लोगों को लिए खुशहाली लाए, बहुत नया साल सबके लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं। नया साल बेहतरीन जिंदगी दे, लोगों को खुशियाँ दें, लोगों का आगे बढ़ने का काम हो, बच्चों का कैरियर बने, उन्हें अपना कैरियर बिल्डअप पे लगे, हर आदमी को रोजगार मिले, देश अच्छा बने और हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पे एक बहुत बड़ी पावर बन के खड़े हों। ये मेरी सब लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं और सब लोगों को एक संदेश है। हमारे साथ हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे, जो कह रहे हैं कि बिजली विभाग ने 2021 में तमाम काम किए हैं, 2022 में इनको आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही ओमिक्रोन का जो खतरा बढ़ रहा है, इस पर भी प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, साथ ही जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी पालना करें। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश के तमाम लोगों की तरक्की के लिए शुभकामनाएं भी नए साल के मौके पर रणजीत चौटाला ने दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। वहीं चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने मेयर और जिलों के निकाय अधिकारी के साथ बैठक की है। इस बैठक में जिले से मेयर और जिला म्युनिसिपल कमिश्नर शामिल हुए हैं। वहीं बैठक के बाद शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी के साथ अनौपचारिक बैठक करके मुलाकात हुई है, काम में समयबद्धता, निष्पक्षता और पारदर्शिता आए, इस पर चर्चा की गई है। ये एक कोई बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंटल मीटिंग नहीं थी, इन सबके दर्शन करने थे इसलिए इनको बुलाया था और बहुत अच्छी मीटिंग रही। फिर भी थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स थी वो भी आई, वो हमारे मैंने भी सुनी और हमारे दोनों महकमों के यूएलबी और हाउसिंग फॉर ऑल दोनों के अधिकारी थे, सबने सुना और बहुत अच्छे से एक दूसरे का दुख सुख, दुख दुविधा उसको भी सुनने का किया, पूरा करेंगे। सब लोगों ने संकल्प किया है कि जो महकमे हैं, जो कर्मचारी हैं, सब समय पर आएंगे, एक दूसरे के इवन जो व्यक्तिगत दुख भी हैं उनको भी दूर करेंगे और पूरी जनता को इस बात की एश्योरेंस देंगे कि डेफिनेट इम्प्रूवमेंट जो है वो निगमों में आए, ऐसा हमने सोचा। मंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद कमल गुप्ता एक्शन मोड में दिखाई दिए हैं। कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता पंचकुला के सेक्टर 14 के नगर निगम कार्यालय पहुंचे और उन्होंने औचक निरीक्षण भी किया। कमल गुप्ता के औचक निरीक्षण के दौरान कार्यालय से कई अधिकारी और कर्मचारी गैरहाजिर मिले हैं। इस दौरान शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कमल गुप्ता ने कहा कि कार्यालय से करीब 80% लोग गैर हाजिर मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि जो मामले में अधिकारी जिम्मेदार हैं उनसे जवाब तलब भी किए जाएंगे और किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने नगर निगम कमिश्नर को आदेश जारी किए हैं कि कम से कम महीने में 8 औचक निरीक्षण अपने क्षेत्र में कराएं। जो एब्सेंट हैं हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जिम्मेवार जो लोग हैं
अधिकारी भी, उनकी भी जवाब तलबी हम करेंगे जी। उनकी आज की तनख्वाह तो रुकी गई जी, बाकी जो इंक्वायरी होगी उसमें जो जेन्युइन होगा उसको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, लेकिन आज तो ये तनख्वाह रुकेगी ही जी, एक दफा तो ये रुकेगी, जो जेन्युइन होगी उसको दे देंगे। मैंने यहाँ के अधिकारियों को भी कहा है, कमिश्नर साहब को कहा है कि आने वाले महीने में कम से कम 8 औचक निरीक्षण करेंगे जो इनका क्षेत्र है, और उसमें जैसे आज मैं एक्शन ले रहा हूं, जैसे आज मैंने चेकिंग की, तो जो उसमें डिफॉल्टर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई लेकर मुझे सूचित करेंगे कि मेरे इन 8 औचक निरीक्षण में ये लोग पाए गए और इनके खिलाफ मैंने ये एक्शन लिया। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के केसों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट दिखाई दे रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए विज ने कहा कि निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कुछ कमियां पाई गई हैं, जिनको जल्द से जल्द ठीक करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। साथ ही विज ने कहा कि 1 जनवरी से बिना वैक्सीन वाले लोगों को किसी भी सार्वजनिक जगह पर एंट्री नहीं मिलेगी। पिछली जो लहर आई थी उसमें ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत आई थी जी, तो उससे हमने सीखते हुए हमने अपने अस्पतालों में PSA प्लांट लगाए हैं। 84 PSA प्लांट हमारे फंक्शनल हो चुके हैं जो चल रहे हैं। कि प्राइवेट अस्पतालों को भी जो 50 बेड से ऊपर है उनको भी अपने PSA प्लांट लगाने होंगे, तो 54 उनके भी लग चुके हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये फंक्शनल है या नहीं है, सभी जगह जाके देखेंगे। तो फिलहाल जनता सरकार में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।